चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको भी मृत्यु दंड दिया गया था? तो याद रखिए, मदन लाल ढींगरा। अगला प्रश्न है हमारा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला है, 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर केशव दत्त। अगला है, जिन्ना द्वारा सीधी कार्रवाई किया जाना कब निश्चित किया गया था? 16 अगस्त 1946। अगला है, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो ये थी हंटर समिति। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब आरंभ प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930। अगला है, 1857 को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिक कौन था? ये था डिजरेली। अगला है, यंग बंगाल के संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे बेमचंद बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था फैजाबाद में। अगला है, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है। यह कथन किसका था? अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरोध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? 1855-56 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था खस्सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? 1926 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो यह रोलेट एक्ट। अगला है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका था? अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 8 अगस्त 1942 को बंबई में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम समाज की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? तो ये थे जेम्स आउट्रम। अगला है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? 9 से 10 सितंबर 1928 में। अगला है, जातीय दुर्भावना के विरोध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? ट्यावन कोर में। अगला है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उन्हें रंगून निर्वासित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो ये था हंटर कमीशन।
अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये थे हेनरी विवियन डेरिग्यू ने। अगला है, महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? ये था वेल्लोर में 1806 में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो ये था व्यूहगत सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन। अगला है, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? जनरल वक्त बख्त खान। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन थोपने के विरोध भारत के किस भाग में ओखा मंडल की बघेलों ने विद्रोह किया? सौराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जॉन्स ने 1784 में किस संस्था को स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, मदन लाल धींगरा ने लंदन में किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो ये कर्जन वायली की। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण। अगला है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत का क्या था? एक गुप्त उग्रवादी संगठन। अगला क्वेश्चन है, 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो ये थे खुदीराम बोस। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? ये थे वैलेंटाइन शिरोल ने। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनेल्ड। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नाना साहेब कौन थे? केशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? ये थे वक्त खान ने। अगला है, भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये था राजद्रोह। अगला है, 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था कि ईमानदार किंतु बोलिशेविक अतः अधिक खतरनाक है? महात्मा गांधी ने को। अगला है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। अगला है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किसका था? विपिन चंद पाल का। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की मुखबिरी करने के बाद कारण फडिंद घोष की हत्या किसने की थी? वैकुंठ शुक्ल ने। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर टेंड की हत्या। अगला है, अंजुमन ए मुहिबुआने वतन के संगठन की स्थापना किसने की? सरदार अजीत सिंह। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? इलाहाबाद 1892 में। अगला क्वेश्चन है, नमक आंदोलन से संबंध
घर्षण आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिकी पत्रकार ने वर्णित किया? तो ये थे बेब मिलर, मिलर ने। अगला, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना सस्तागार स्थापित किया था? डिंडीगुल। अगला है 1857 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका था कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र है? तो ये थे जेम्स आउट्रम। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति की गठन किया गया, उसके माध्यम थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? लाला हरदयाल। अगला, राजेंद्र महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे? बरकतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? संविधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ? केरल में। अगला है, लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा? तो महात्मा गांधी ने। अगला है, केसर ए हिंद की उपाधि किसे मिली थी? महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु कब हुई? जून 1925 में। अगला है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण से।